भाई हमने मंगाया रियलमी का 10 प्रो प्लस। तो भाई अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अभी ये फ्लिपकार्ट वाले से ना एक सर्विस होती है, वो मैंने ऐड कर रखी थी। वो फ्लिपकार्ट वाला ने ना अभी अपने आप ही सारा मतलब ओपन करके सारा कुछ दिखा के गया है। तो ये फ्लिपकार्ट की बहुत बेस्ट सर्विस है। इसमें ये थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऐड करते हैं, तो वो मैंने सर्विस ले रखी थी, सो दैट उसने सारा ओपन करके फ़ोन वगैरह सब दिखा के गया है। तो मुझे तो यार बेस्ट सर्विस लगी है। बाकी अभी इसको करते हैं अनबॉक्स। तो भाई ये कुछ ऐसा डब्बा आता है जिसपे 10 प्रो प्लस की ब्रांडिंग है, 5G रियलमी, और ये फर्स्ट सेल में आया था तभी हमने ऑर्डर कर दिया था। तो अभी ये आज हमारे पास डिलीवर है 2 दिन बाद। बाकी तो इसमें फीचर्स बता रखे हैं कि 120 GHz का विजन डिस्प्ले है इस पे, और 108 MP का लाइट प्रो लाइट कैमरा है, 67 वाट का चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी है। बाकी ये सीरियल नंबर वगैरह है। अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो भाई 1 2 3 ये हो गया अनबॉक्स। फिर अपने को ही मिलते हैं इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और सारा कुछ होगा इसके अंदर। और ये है अपना फोन, ये है अपना फोन। तो भाई इसको निकालते हैं। ये है भाई अपना फोन, इसको करते हैं ऑन। ऑन करते हैं भाई, रियलमी की ब्रांडिंग आ रही है और एंड्रॉयड एंड्रॉयड 13 पे रन करता है ये। और इस पर 108 MP कैमरा है, जैसे मैंने भी बताया था। इसके साथ 67 वाट का चार्जर मिलता है, सॉरी 80 वाट का सुपर चार्जर है, फास्ट चार्जिंग है। और अपना ये सी टाइप केबल मिलती है, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, नथिंग। तो भाई ये हो गया अपना ऑन। और ये अब इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। तो भाई जैसा कि हमने सिम वगैरह अपने इसमें इंसर्ट कर ली है, इंसर्ट का यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जैक दिया हुआ है, पिन आती है, उस पिन से इसको करोगे तो इसमें सिम आता है, सिम का ऑप्शन आता है। इसमें ऑडियो का जैक जो है वो हटा दिया है, अब कंपनी इसमें ऑडियो का जैक नहीं दे रही है। कुछ होगा ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होगी ओनली। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन। अपने को बस ये एरो पे क्लिक करते जाना है, इंग्लिश टाइप किया एरो इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारे मार्क्स को कर दिया क्लिक, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वाईफाई, अपना वाईफाई हम लोग करेंगे, ठीक है, वाईफाई हम लोग कर देते हैं। तो भाई अपना हो गया वाईफाई कनेक्ट, नेक्स्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा कॉन्फ़िगरेशन होने में। बाकी कैमरा के प्लेसमेंट बहुत अच्छी जगह कर रखे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में, बहुत सुंदर सा लग रहा है ये, मतलब सही है, लाइट वेट है एकदम। अब यार इसमें से डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, सो दूसरे हम फ़ोन से इसमें डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, गूगल नियर बाय की सर्विस से मैं इस ओल्ड फ़ोन से सारा डेटा इस न्यू फ़ोन में ले रहा हूँ। अभी जो है ना वो पुराने फ़ोन से डेटा न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो भाइयों अपनी कॉपी, डेटा कॉपी होने की प्रक्रिया पूरी मतलब कैरी ऑन है। अभी 1 घंटा लगेगा करीब इसको कॉपी होने में। ये सारा आपका ऐप्स का डेटा, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, सारा कुछ ये इस फ़ोन से इस फ़ोन में जा रहा है। अब मतलब हमें ना मैनुअली ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एक ही बार में सारा डाटा इस फ़ोन में आ जाएगा। तो यार ये भी एक बढ़िया फीचर है गूगल का। तो अभी इसको कॉपी होने देते हैं, और कॉपी होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है ये फ़ोन, कैमरा क्वालिटी कैसी है, इसका प्रोसेसर कैसा है, और यूज़ करने में कैसा लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब तक ये डेटा कॉपी हो रहा है तब तक इसमें देख रहे थे क्या क्या है। तो खोलते हैं इसके अंदर, देखो क्या क्या निकलता है यार। ओ वाओ, इसके
अंदर तो यार ये तो पिन है सिम लगाने वाली, और एक और मिला है मस्त सा ट्रांसपेरेंट, लगने बाद ये सुंदर लगेगा। ये कुछ पेपर्स हैं जिसमें ये बताया गया कैसे आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं, पानी में लगा के कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो जो सा पार्ट था पानी में यूज़ नहीं हुआ, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इसे कॉपी होने देते हैं अभी। भाई अपने को जो फ़ोन पड़ा है वो पड़ा है 25,999 रुपये का। तो फ्रेंड्स अभी अपना जो डेटा कॉपी होना था वो हो चुका है ओल्ड फ़ोन से नए फ़ोन में। तो ये वैसा ही पूरा फ़ोन जैसा पुराना था वैसे सारा कुछ आ चुका है इसके अंदर। और ये देखो ज़रा फ़ोन, और कैमरा की क्वालिटी भी हाँ गुड है, बट एज़ कम्पेयर टू आईफोन तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। बाकी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके देखते हैं कि प्रोसेसर क्या है। ये अबाउट डिवाइस में जाके देखते हैं, रियलमी 4.0 वर्जन है इसका, ठीक है। और प्रोसेसर इसमें है मीडिया टेक 1080, 5000 mAh की बैटरी, 6 GB रैम प्लस 4 GB। ओके अच्छा, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, एंड्रॉयड 13 पे काम करता है ये, ठीक है। बस बाकी यार चलाने में तो बहुत ही स्मूथ है, ये चलाने में यार बहुत ही स्मूथ है, क्योंकि 120 GHz का इसमें वो है ना रिफ्रेश रेट। सो ये चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको, स्क्रीन बिल्कुल भी लैग नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स यही था एक रिव्यू वीडियो, आप लोग लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलो मिलते हैं फिर ऐसी कोई बढ़िया सी वीडियो में, अगर किसी और डिवाइस का अनबॉक्स करेंगे आगे। चलो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना।